विजयलक्ष्मी लेआउट पर यूजीडी का काम और वाटर बोर्ड का काम चल रहा था, वहाँ पर इंचार्ज ज़बरदस्ती किया लेबर्स के साथ कि वहाँ पर अगर नीचे तुम ड्रेनेज साफ नहीं करेंगे तो वहाँ पर उनका पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो उस मकसद से वो लोग नीचे उतरे काम करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर फंस गए, जिसमें तीन लोग फंस गए थे, दो का इंतकाल हुआ है, एक की हालत सीरियस है यूनाइटेड हॉस्पिटल में। अब हमारा मुतालिबा ये है, जो मर गए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, जो अभी ज़िंदगी से और मौत से लड़ रहा है उसको कंसर्न डिपार्टमेंट उनका खर्चा उठाना चाहिए, और तीसरी बात जो इंचार्ज जो कॉन्ट्रैक्टर जो ऑफिसर्स वहाँ पर थे वहाँ पर जो भाग गए हैं उनके ऊपर 302 का केस होना चाहिए, क्योंकि इसको हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ज़्यादा नीचे ही नहीं जाना है, जो भी ड्रेनेज का काम है नॉट बिलो देन 10 फीट या 20 फीट है, ये तो 25 फीट के करीब नीचे जाकर काम कर रहे थे। तो हमारा मुतालिबा तीन चीज़ का, एक मुआवजा देना चाहिए, FIR होना चाहिए, और जो बच्चा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है उसका जो भी एक्सपेंडिचर है कंसर्न डिपार्टमेंट चाहिए। हादसा बगैर सेफ्टी के उतारा गया, हादसा ऐसा हुआ है कि उनको बगैर सेफ्टी, और एक ये बोला गया है कि पेमेंट हम नहीं देंगे अगर तुम इस चीज़ को साफ नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम यही हुआ है, उनको डरा जा रहा है पेमेंट नहीं देंगे, 4 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। अब पेमेंट के जैसे मंथ्स आ रहा है, ये 28-29 है, आज फर्स्ट को पेमेंट होती है सभी को, वो पेमेंट की आड़ में ये लोग काम करने गए, गरीब तबके लोग हैं, ड्रेनेज का काम करते हैं, अब उनको ऐसा बोलने के बाद वो मजबूरी में नीचे गए, जैसे ऑक्सीजन का डोर ओपन हुआ ये लोग फंस गए, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, दो की वहीं पर मौत हुई, और ऑफिसर जो वहां पर था वो ये कह रहा था कि वो अनकॉन्शियस हुए, अनकॉन्शियस ब्रीथ लेता है, अनकॉन्शियस होने के बाद ब्रीथ नहीं लेने के बात नहीं होती है, तो ये झूठ बोलकर भाग कर गया है। तो हमारा मुतालिबा तीन चीज़ का है, एक FIR होना चाहिए, दूसरा मुआवजा होना चाहिए, तीसरा जो भी बच्चा जिंदगी से लड़ रहा है राजू उसको उसका जो भी एक्सपेंडिचर है यूनाइटेड हॉस्पिटल में गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर उनका उठाना चाहिए। मेरा नाम उमर खान है। आज गुलबर्गा शहर के राघवेंद्र राघवेंद्र पुलिस स्टेशन के इसमें लिमिट में मैन होल में दो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों का डेथ हो गया, और इस डेथ के खिलाफ हमने कम से कम प्रोटेक्ट करे एक घंटा दो घंटा, और हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो कुछ भी ये हादसा हुआ इसके खिलाफ प्रोटेक्शन करते हुए हम ये जो हमारे जो भाई इस हादसे में गुजरे उनको सरकार की ओर से और सुप्रीम कोर्ट जो 2013 का एक्ट है उसके तहत 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, और उनको उनके फैमिली में एक आदमी को नौकरी दिया जाए। उनके नाम क्या है? उनके नाम लाल अहमद रशीद शेख, और अभी जो सीरियस है राजू, ये तीन लोग का हादसा हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा आदेश होते हुए भी जिला अटैच जो है यहाँ का गुलबर्गा का ये जो बार बार ये जो गलतियाँ कर रहा है इस कैनल में उतर ये मैनहोल में उतारने का, एज पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई ये जो मैनहोल का काम टोटली बंद करके मशीनरी से किया जाए, फिर भी यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वाले
इस बारे में कोई गुत्थेदार हो या डिस्ट्रिक्ट वाले हो, हम तो सीधे सीधे जो डिस्ट्रिक्ट के मेन जिला डालते हैं उनके खिलाफ ही हम बोलना चाहते हैं इस बारे में। जब मेरा नाम राजकुमार गावरिया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सफाई कर्मचारी आंदोलन, डिविजनल कन्वीनर गुलबर्गा। अस्सलाम वालेकुम। 1 बजे जो विजयलक्ष्मी लेवट में जो एक डेनिस का काम चल रहा था वहाँ पर यूजीडी का, तो वाटर बोर्ड का, वहाँ पर लेबर लोग जो 25 फीट डीप अंदर, जो इसको गवर्नमेंट अलॉट भी नहीं करती है कि वहाँ पर वो साफ़ करने के लिए, तो इसको मजबूरन जो गरीब लोग वहाँ पर, जिसका टेंडर है शफी नाम जिस इसका, तो वहाँ पर उनको मजबूरन अगर तुम नहीं उतरेंगे तो तुमको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, तो ये कहकर उनको डराकर वहाँ पर बगैर सेफ्टी के उनको उतारा जाता है, उनको उतारा जाता है। वो लोग मजबूरी में उतर कर जब सफाई के लिए उतरते हैं तो 3 लोग अंदर फंस जाते हैं। 3 लोग फंसने के बाद 2 की मौत होती है, 1 इनोटेड में सीरे से बहुत। तो इंचार्ज से यहाँ के वाटर बोर्ड के जो PC पाटिल है, हर डिपार्टमेंट को हम जब से कॉल कर रहे कोई कॉल का रिस्पांस नहीं आ रहा था। अब हमको मजबूरन यहाँ की रोड ब्लॉक करने के बाद हर डिपार्ट यहाँ पर आ रहा है, और जब तक वाटर बोर्ड के जितने भी बड़े ऑफिसर रहेंगे हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, एक उनके ऊपर FIR करना चाहिए। FIR। अस्सलाम वालेकुम।